मैं हूं उदित नारायण, आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं, विशिंग यू ऑल ए मैरी क्रिसमस। सॉरी, एक बार और करता हूं, क्रिसमस है ना, फिर एडिट कर लेना, नहीं तो कई लोग बिना एडिट के ही वो यूट्यूब में डाल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण, विशिंग यू ऑल ए मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। और आज षणमुखानंद हॉल में आनंद मिलन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का शो हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार सब आए हैं। मुझे भी आने का मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि कयामत से कयामत तक, चित्रगुप्त जी से लेके आनंद मिलन तक, ये बड़ा अच्छा नाम है, टाइटल है। और आनंद मिलन म्यूज़िक ऑफ एकेडमी की तरफ से ये फंक्शन हो रहा है, तो हम सब लोग एक्साइटेड हैं। मैंने देखा कि बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, और इस शो को जो ऑर्गेनाइज किया है, जिस काफ़ी मेहनत किया है, उसमें मैं अनंत कुमार जी को, अनंत कुमार ड्रीम ऑफ म्यूज़िक, अनंत म्यूजिकल ड्रीम, अच्छा अनंत म्यूजिकल ड्रीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि इस आनंद मिलन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कयामत से कयामत तक चलता रहे, और हम लोगों को बार बार यहाँ आने का मौका मिले। आनंद मिलन जी का, चित्रगुप्त साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा देन है, क्योंकि मैं आज उन्होंने कयामत से कयामत तक मैं नहीं गवाता तो मैं आप लोगों के सामने आज उदित नारायण बन के नहीं आता। तो थैंक यू सो मच। बस आप इंजॉय करिए, म्यूज़िक इंजॉय करिए, और दुआ करिए कि ये कमाल हो, ये शो कमाल हो। देखिए, हमारे अभिजीत दा हैं, अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं, अमित कुमार जी हैं, उदित जी हैं, देन पूर्णिमा श्रेष्ठ जी है, अलका जी है, अलका याग्निक जी भी आने वाली है, देन जॉली मुखर्जी है, साधना सरगम जी है, क्या बात, बड़े बड़े सब सिंगर्स हैं। क्योंकि ये आनंद मिलन जी और चित्रगुप्त जी का एक दो जनरेशन का म्यूज़िक है, तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट आया कि 60s के गाने और 90s के गाने को लेकर एक प्रोग्राम बनाया जाए। तो हमने एक टाइटल दिया चित्रगुप्त से लेके आनंद मिलन तक, जिसमें कि 60s के गाने और 90s के गाने हो सके और लोग एंजॉय कर सके। ओके सर, आज 99 इयर्स भी हो चुके हैं मोहम्मद रफी जी की बर्थडे को, सो आज उसके तरफ से हम उनके कोई स्पेशल गाना आपके तरफ से, आज इसका मजा रहने दीजिए ना, अभी करेंगे ना, है ना हम लोग। अच्छा, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ जहाँ गड़बड़ हो उसको एडिट कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं यूट्यूब देखता हूँ ना, तो यार लोग ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। लाइट देना, बेसिकली क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट रखा है कि चित्रगुप्त से आनंद मिलन तक, चित्रगुप्त जी जो उनके फादर हैं, तो एक जर्नी ऑफ म्यूज़िक का जो लिया है, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और मैं चित्रगुप्त जी से भी काम किया हूँ, और आनंद मिलन से भी काफ़ी मैंने काम किया। इनफैक्ट मेरे को पहले एक लता जी के साथ में एक श्लोक गवाया था, वो चित्रगुप्त जी ने गवाया था मुझे, दयावान गाने से बहुत पहले। तो मेरा इनसे रिश्ता काफ़ी दिनों का है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज उनके नाम पे ये शो हो रहा है। ओके सर, आप आज परफॉर्म करने वाले हैं? मैं ये गाना गाऊंगा। ओके, कोई स्पेशल शो? हाँ, वो स्पेशली गाना है मेरा, सुपर हिट गाना है,
जो जाकिर श्रॉफ के ऊपर फिल्म गया था, संगीत का गाना सुनो हसीना का जलवा, वो एक ही गाना गाऊंगा। बाकी मेरे काफ़ी गाने हैं मगर वो एक ही गाना मैं गा रहा हूँ। वो क्या म्यूजिकल जर्नी है उसमें आज और एक कंट्रीब्यूशन भी दी जा रही है मोहम्मद रफ़ी जी को, 99 बर्थडे एनिवर्सरी है उसके ऊपर भी उनकी ट्रिब्यूट। रफ़ी साहब के बारे में क्या बोलूँ मैं, रफ़ी साहब एक ही रफ़ी साहब थे और पता नहीं कितने साल के बाद आएंगे रे। और मैं उनसे आपसे ये भी शेयर करूँगा कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं आर डी बर्मन के साथ कोरस में गाया था और सबसे पहला गाना ही रफ़ी साहब के साथ था, तो मैं खुश नसीब हूँ कि इनके साथ में था और बस मेरी तरफ से श्रद्धांजलि उनकी उनकी याद में। ओके सर, जाते थे आखिर क्या, अगर दो लाइन हो या अगर आप अब इस वक्त गाना नहीं गा सकता बेटा, गाना गाने के लिए अंदर हूँ मैं।